नमस्कार साथियों, आज काफ़ी लंबा समय लॉकडाउन को हो गया, लगभग 35 दिन होने को जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग और हमारे कई सहयोगी कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश से सरकार से लगातार उन लोगों का मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि जो लोग हिमाचल प्रदेश के बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई नौकरी पेशे में, कोई व्यापार में बाहर गए हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, वो घर लौटें, क्योंकि वहाँ हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके परिवार के लोग बाहर फंसे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे घर में पहुंचे। परंतु लंबे समय तक सरकार के समक्ष ये मामला उठाने के बावजूद भी सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेगी, और सरकार बिल्कुल सुस्त सरकार है, और सरकार सोई हुई है। ये सरकार वही करती है जो दिल्ली से चिट्ठी आती है, उसको कट एंड पेस्ट करके आगे करती है, या दूसरे कोई राज्य कोई फैसला ले लेते हैं तो उसके बाद ही सरकार कहती है कि उस राज्य ने फैसला ले लिया, हम भी उस पर कुछ करते हैं। आज ये देखने को मिल रहा है कि कोटा से हमारे उन बच्चों को वापस लाने के लिए सरकार ने फैसला लिया, बसें भेजी हैं, वो तब ली जब दूसरे राज्य के जो दूसरे राज्य के लोग थे, सरकारें थी, उन बच्चों को अपने स्टेट में ले गई, तब ये सरकार जागी। आज लोग ये कह रहे हैं कि कोटा से अपने बच्चों को लेके रहे हैं, वो घर लाने चाहिए। परंतु आज चंडीगढ़ में, पंजाब में, लुधियाना में, जलंधर में, दिल्ली में, जो कोटा से नजदीक हैं, उन बच्चों को भी तो आप घर लेके आइए। और सरकार जो है, मुझे लगता है कि इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि लोग 35-35 दिन से अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, अगर वो घर आना चाहते हैं तो उनको जो है वापस आने दिया जाए, और उनको बॉर्डर पे उनका चेक किया जाए, अगर उनमें कोई आपको संदिग्ध लगता है कि कोई बीमार है तो उसको आप क्वारंटाइन करिए, या उनको घरों में जाके क्वारंटाइन करवाइए। और मुझे लगता है कि लोग बहुत बेचैन हैं। आज तो लोगों को ये करना पड़ रहा है, मैं तो लोगों को आज सलाह दूंगा कि घरों में दिया जलाइए शाम को, और उसको लोग सरकार को संदेश दीजिए कि जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो वहां पर जो है लोग दिया जलाते थे कि कब रामचंद्र भगवान वापस आएंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी चाहिए कि दिए जलाइए, कब उनके जिगर के टुकड़े उनके घर पहुंचेंगे, और ये सरकार सोई हुई सरकार जागेगी। और मुझे लगता है कि सबसे निष्क्रिय निकम्मी सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में साबित हुई है, जो कि अपने ही लोगों को अपने घरों में आने के लिए जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है। और इसको इसको लगता है, इनको लगता है, हम बोलते हैं तो लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। अरे लोग अपने घरों में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को नौकरियों से निकाल दिए हैं, लोग तनाव में हैं। तो लोगों की इस भावना को सरकार को समझना चाहिए थे। इतने दिन हो गए और मुझे लगता है 35 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है लोगों को लॉकडाउन हुए, और लोग जो है इस वक्त सरकार से परेशान है और सरकार कोई फैसला नहीं रहा। इसलिए मैं फिर से सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत इस मामले को लेकर, गंभीरता से इस मामले को लेकर फैसला लें, और जो बाहर फंसे लोगों उनको घर पहुंचाएं।